बच्चों, हम कक्षा 11वीं के भारतीय अर्थशास्त्र के विकास के अंतर्गत हम विकास की नीतियाँ और अनुभव के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी उसके बारे में हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम परिचय मतलब आर्थिक विकास के बारे में परिचय के बारे में देखेंगे। भारत आर्थिक विकास विषयक पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना है, जिसमें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही विकास से अवगत कराना था, जिसे वर्तमान अवस्था में भारतीय संभावनाओं की चर्चा जो देना ही उतना ही आवश्यक है, जिसमें कि महत्वपूर्ण है और अर्थव्यवस्था की स्थिति कर रहे हैं। इसी प्रक्रम में हम उन बातों को भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिसमें कि स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर उसमें आगे और देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है, बल्कि मूल सूत्र इतिहास के बहुत गहरे हैं, जिसमें विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो उस समय भारत में ब्रिटिश औद्योगिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था केवल एक कच्चा माल प्रदाय तक ही सीमित रखना था। उस शासन के अधीनतक शोषक के रूप में समझे बिना स्वतंत्रता पिछले दशकों में भारत में विकास, क्योंकि इंग्लैंड जो था यहाँ से कच्चा माल अपने देश ले जाता था, वहां से निर्मित करके महंगे दामों में हमारे देश में बेचता था। इस तरह से उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि देश का शोषण करना है, क्योंकि कच्चा माल हमारे यहाँ उपलब्ध मात्रा में थी, जिसको उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, यद्यपि जस समान की आजीविका जो थी सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी, जो सूती व रेशमी वस्त्रों धातु पर आधारित थी, जिसमें महुमेलो मरे रत्न भी आदि जो उत्कृष्ट कलाओं से उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। इन सब जगह विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री का प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। जिस तरह से हम देखेंगे कि मलमल के कपड़े को भी उस समय उच्च क्वालिटी का होता था, जिसको कि एक अंगूठी के अंदर से भी हम उस कपड़े को निकाल सकते थे। उस तरह से मोती हैं सुविख्यात, बहुत सारी चीज़ें माणिक्य की चीज़ें भी विदेशों में विख्यात थी। फिर हम देखेंगे ऑप्टिकल शासकों के द्वारा आर्थिक नीति थी भारत के आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल उद्देश्य के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी मूल रूप में बदल डाला था और भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया, जिस तरह से मैंने अभी आप लोगों को बताया। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने की कभी भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए पर उसके अनुमानों में बहुत सारी विसंगतियां आपसी मतभेद भी रहे। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिम्पी, फिनले, सिराज, वी के आरवी राव और आरसी देसाई प्रमुख रहे, क्योंकि औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे कि इसमें 21वीं सदी के पूर्वाध भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर में 2% से कम रही और तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर में मात्र 0.5% ही रह गई थी। फिर कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में उस समय एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा, जिसमें लगभग 85% जनसंख्या जो गाँव में बसी हुई थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी, जिसमें एक भेड़ बकरी चारण सारी चीजें जो थी उसके अंतर्गत शामिल थी। फिर एक बड़ी जनसंख्या व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उन्हें अप्रत्याशित हास या गिरावट भी अनुभव की। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही हो। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण जो था औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता था। आज के समय पूर्वी भारत में जैसे बंगाल प्रेसिडेंट में कहा जाता है कि लागू की जमींदारी व्यवस्था जो थी कृषि कार्यों से ही होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे। किसानों के पास कुछ भी नहीं बच पाता था और अधिकांश जमींदार औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा को अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तथा सीमित रहती थी, जिससे कि वे अधिक से अधिक शोषण कर सके और कृषक वर्ग की नितांत दुर्दशा जो थी सामाजिक तनावों को झेलने में बाध्य होना पड़ता था। इससे किसान की दुर्दशा बिगड़ती ही चली जा रही थी। जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा, जिसमें राजा निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथि पूर्व निर्धारित थी, इसके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने पर जमींदारों ने उनके अधिकार छीन लिए जाते थे और साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों के नगण्य प्रयोग से कृषि उत्पादक के स्तर को बहुत निम्न रखने के उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में भी इसका बड़ा योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों के उच्च उत्पादक प्रमाण भी मिलते हैं।
व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों को उचित प्रमाण मिलते हैं, जिसमें कि खाद्यान्न खेती के नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिसका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था के कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण और भूमि उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों को उगाना आरंभ कर दिया था, जिससे काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र के निवेश करने के लिए ना ही संसाधन थे, ना ही तकनीक थी और ना ही कोई प्रेरणा थी। इस तरह से किसानों को ये होता था कि उन्हें हमेशा छोटे के छोटे रहते थे, उनका शोषण बहुत अधिक होता था, और व्यावसायिक होने के कारण जिसमें नील की खेती की जाती थी, जिससे कि उनका शोषण अधिक से अधिक किया जाता था।